और यही बोलना चाहेंगे, मतलब हमारे अध्यक्ष हैं राकेश तिवारी सर, उनका मतलब काफ़ी सहयोग रहा है यहाँ तक हम बुलाने के लिए। और मेरे डिस्ट्रिक्ट के स्वर्गीय टूना भी रहे, जो कि अध्यक्ष रहे डिस्ट्रिक्ट का, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। आपका ये जो जर्नी है, उम्र में केकेआर ने आपको सिलेक्ट किया, केकेआर इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि नए प्लेयर को मौका देती है, रिंकू सिंह को भी मौका दिया, आज हम लोग उनका गेम देखते हैं। आपको क्या उम्मीद है कि आप केकेआर में जाएंगे तो आपका गेम किस तरीके से डेवलप करेगा, क्योंकि आरसीबी में भी थे आप, वहाँ आपको मौका नहीं मिला, यहाँ आपको मौका मिल रहा है। मतलब यही बोलना चाहेंगे कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा और अच्छे अच्छे प्लेयर से, मतलब काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा, तो जितना हो सके उत्तम सीखेंगे और अच्छा करेंगे। एनसीए में भी आपने काफी टाइम बिताया है, एनसीए कितना हेल्प करता है यंग प्लेयर को जब वो आईपीएल या फिर इंडिया में रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पर। मतलब एनसीए काफ़ी सपोर्ट करता है, और क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बिहार के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बिहार का क्रिकेट जो है पिछले कुछ सालों में काफी डेवलप किया है, बीसीए के भी काफी लड़के आगे निकल कर आए। क्या हेल्प मिलता है जब कुछ साल पहले बिहार रणजी नहीं खेल रहा था, बिहार रणजी में भी पार्टिसिपेट करने लगा है, तो गेम में किस तरीके से डिफरेंस देखते हैं आप प्लेयर पे? मतलब जैसे हम खेलना शुरू किए तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो हमको बीसीए किया, अध्यक्ष है राकेश तिवारी सर, वही सब उन्हीं का योगदान है, तभी यहाँ तक पहुँचे। कितने साल से क्रिकेट खेलना शुरू किया आपने? हमको हो गया 3 साल खेलते हुए। क्या इच्छा क्या? इच्छा मतलब प्लेयर का इच्छा रहता है कि वह आईपीएल खेले, इंडिया खेले, तो मेरा इच्छा यही है। आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप भी है, नजर है वर्ल्ड कप पे, टी20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। बिल्कुल अच्छा करें तो अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे तैयारी करते थे, कहाँ कितना योगदान है, किसी का कितना योगदान है बताइए। जैसे हम हमारे यहाँ एम एन जे स्टेडियम, वहाँ आ जाते थे हम रनिंग करने के लिए, तो वहाँ एक होता है लिगाड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट, तो उसी में हमको चांस मिला बॉलिंग करने के लिए। तो हमारे अध्यक्ष स्वर्गीय टूना भी थे और बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी सर थे, तो मेरा बॉलिंग देखे तो कुछ बोला हमको कहाँ से, मतलब सब मेरा पता पूछे और बोले कि आप बस आप मेहनत करते रहो, काफ़ी जो हमसे सहयोग आपको बहुत करेंगे हम। और अध्यक्ष में राकेश तिवारी सर मतलब कभी भी कॉल करते हैं, मतलब हम करते हैं तो एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, अब कोई चीज़ का मुझे दिक्कत नहीं होता है। ने बहुत मदद किया, बहुत मदद की। अब देख सकते हैं कि मतलब उतने हम गरीब बच्चे हैं कि जूता नहीं था, तो हमको यहाँ तक लाने के लिए बीसीए काफ़ी सहयोग रहा, तभी हम यहाँ पर। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे फार्मर हैं। पढ़ाई कहाँ तक की है? 12th पास। आगे आने वाले खिलाड़ी को और क्या कहना चाहेंगे, जो बिहार के खिलाड़ी है जिनको जगह नहीं मिल पाती है बीसीए के माध्यम से, और आपको देखेंगे तो आप भी उनके लिए एक रोल मॉडल होंगे, तो वैसे प्लेयर्स को क्या बोलेंगे आप? यही बोलना चाहें कि आप लोग बस मेहनत कीजिए और अच्छा कीजिए, और अभी से आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बस आप अच्छा कीजिए तो सब अच्छा होगा। का सिलेक्शन हुआ है और 3-4 और लड़के भी आईपीएल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना गर्व का मोमेंट है बीसीए के लिए, और आगे बीसीए और क्या करेगा कि और प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट हो? देखिए, ये सिर्फ बीसीए की बात नहीं है, ये पूरे बिहार को गौरवान्वित होने की बात है। जो लास्ट गत वर्षों में हम लोगों ने मेहनत किया है, उसका सारा श्रेय कमेटी ऑफ मैनेजमेंट को जाता है, हमारे अध्यक्ष जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन सीमित संसाधनों के साथ में बहुत सारा काम किया है, उसका एग्जाम्पल भी बहुत सारा है। जैसा अभी बताया गया था, सकीब उल गनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हमारे यहाँ सूर्यवंशम जो है सो इंडियन टीम में है, लास्ट ईयर हम लोग जो रणजी ट्रॉफी है उसके चैम्पियन बने, और हम लोग उस समय प्लेट में थे, आज एलीट ग्रुप में खेल रहे हैं, जिसका बेनिफिट यहाँ के प्लेयर्स को मिलने वाला है। अभी जो हमारा मैच है रणजी का, जिसमें इंडियन प्लेयर्स भी पटना आ रहे हैं खेलने के लिए मुंबई टीम से, तो जितना ज़्यादा मैचेस होगा उतना बेहतर होगा। और हमारे यहाँ जो अभी सिस्टम चल रहा है, हमारे जीएम क्रिकेट ऑपरेशन है, हमारे जीएम एडमिन है, हर लोगों का मेहनत मार्गदर्शन कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का है, हमारे अध्यक्ष जी का है, उसका एग्जीक्यूशन परफेक्टली हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सारा बेनिफिट बच्चों को मिले। ये एसोसिएशन प्लेयर्स के एसोसिएशन है, तो प्लेयर्स के बेनिफिट के लिए हम लोग हर तरह की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत सारा रोड मैप है जिसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, संसाधनों की कमी हमें हमेशा कभी कभी रोक देती है चीज़ों को करने के लिए, बट मेरा ये मानना है कि आने वाला समय बिहार के लिए बहुत गौरवशाली रहेगा।
उम्मीद है सर अगले ऑप्शन में और साकिब जैसे लड़के आईपीएल में सिलेक्टेड होंगे? देखिए, हम लोगों की कोशिश ये रही है कि हम लोग डोमेस्टिक मैचेस को मैक्सिमम कर सकें। हमारे पास में स्टेडियम के अभाव है, हम लोगों ने कोशिश भी किया है, बीसीसीआई में बात हुई है स्टेडियम बनाने के लिए, और जिस तरह से बीसीसीआई का सपोर्ट हमारे साथ में है और प्लेयर्स के अंदर जितनी प्रतिभा है, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में अच्छा खासा तादाद में हमारे बिहार के प्लेयर्स होंगे। हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, प्लेयर्स हैं, जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण दूसरे राज्यों से खेल रहे हैं, जिसमें मुकेश जी हैं, विपिन और भी लोग हैं, ईशान भी हैं, अभी जो आपका झारखंड से जिनका सिलेक्शन हुआ वो जो है दरभंगा से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो शायद हमारे आजू बाजू में बाकी स्टेट्स नहीं आ पाएंगे। हमारे बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है।